तिवारी हुआ। मैं गया डिस्ट्रिक्ट के फतेहपुर गांव से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से की है। और इसके बाद मैंने गया कॉलेज से इंटर, और वहीं से मैंने फिर अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। स्नातकोत्तर भी मैंने वहीं से अर्थशास्त्र में किया, गया से ही। और फिर मैंने 2020 में हिंदी साहित्य से इग्नू से मैंने स्नातकोत्तर किया है। विश्वजीत, जी सर, गया से बात करते हैं। जी सर, गया से बात बताइए हम लोगों को। सर गया एक बहुत ही प्राचीन शहर है, खासकर बिहार का, और इसमें कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो इसकी प्राचीनता और इसकी गौरवमय इतिहास को बताते हैं। जैसे खासकर विष्णुपद का जो मंदिर है, इसके अलावा बोध गया। विष्णुपद का मंदिर क्या बताता है हमको? विष्णुपद का मंदिर सर, वहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं, और वो मंदिर का जो निर्माण है वो अहिल्या बाई के द्वारा करवाया गया था। और हर साल खासकर विष्णुपद मंदिर में कई श्रद्धालु आते हैं। जैसे अभी पितृपक्ष लगा हुआ है, तो इनमें कई जो भारत के अन्य राज्य हैं वहां से पिंडदान के पर्पस से लोग आते हैं। पितृपक्ष का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हिस्ट्री है सर? पितृपक्ष का ऐसा माना जाता है कि हमारे, और ऐसा है भी कि हमारे जो श्री राम भगवान रहे, उनका कैरेक्टर ऐसा रहा कि उन्होंने अपने पितृ पक्ष के जो ये जो पिंडदान जो रहे हैं, वो अपने पितरों के लिए पिंडदान की जो व्यवस्था थी उसको पूर्ण करने के लिए उन्होंने यहाँ आया था, गया आए हुए थे। और तब से लेकर अभी तक पितृपक्ष को लेकर ये प्रावधान है कि लोग यदि वहाँ पिंडदान करते हैं तो उनके जो पितर होते हैं, पितर बोलने का मतलब ये हुआ कि उनके जो पूर्वज हैं उनको शांति मिलती है। दो चीजें बताइए आपने, और पूछा गया है? इसके अलावा बोध गया है, जो कि गया के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वहां बुद्धो, भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों का एक बहुत बड़ा मठ है। गया में जैनिज्म का भी कुछ है? जैनिज्म का है, खासकर गया चौक पे एक जैनिज्म को लेकर एक धर्मशाला है और मंदिर है, बस सर इतना ही है। धर्म धर्मशाला की तो कोई बात बड़ी नहीं है, बहुत जगह होंगी जैन धर्मशाला और जैन मंदिर वहां, लेकिन लोगों की संख्या कम है जैनों की, लेकिन जो भी हैं वो प्रभावी रूप से वहां रहते हैं। और उनका जो है वो बेसिकली वहां व्यापार क्षेत्र नहीं है, लेकिन उनसे बाहर है। गया का इकोनॉमी बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है? गया का इकोनॉमी एक तो स्टूडेंट का बहुत बड़ा हब है वो, और इसके अलावा वहाँ हथकरघा, स्टूडेंट का हम है किस सेंस में? इस सेंस में कि वहाँ के अधिकांश जो जीविकोपार्जन के जो साधन है स्टूडेंट के कारण भी है। और एक दूसरा सबसे बड़ा कि वहाँ हथकरघा का उद्योग है, जैसे हाथों से बुनाई और जो कपड़े का जो बुनाई वगैरह क्या क्या होता है बनाते हैं? वो जिसको हम लोग सर, हम लोग अपनी भाषा में गमछी बोलते हैं, और साड़ी वगैरह, धोती वगैरह इस तरह का काम होता है। ये पटवा टोली के अंतर्गत आता है गया में एक। जी, और क्या है? इसके अलावा एक पर्यटन कह सकते हैं, पर्यटन के हिसाब से वो काफी अच्छा है। गया में तिलकुट भी शायद नेशनली जाता है, तिलकुट जो खाने का सामान। हाँ जी, वो एक प्रसिद्ध वहाँ की खाद्य सामग्री के रूप में है, जो सर काफी दूर तक जाता है, मतलब वर्ल्ड वाइड भी जाता है। अच्छा, गया के पटवा टोली में ऐसा क्या है कि वहां कहा जाता है कि हर घर में एक आईआईटी है और हर साल आईआईटी का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है पटवा टोली से, जी ऐसा क्या है वहां? सर ऐसा है कि जो पटवा टोली में जितने लोग, एक समय था कि जब पटवा टोली से उतने इंजीनियर नहीं थे, लेकिन एक डेडिकेशन है, खासकर वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ से किया है, आईआईटीएन हुए जो उनके बाद पढ़कर वहाँ से गए, तो उनकी एक मेंटलिटी ये है सर कि वे जब भी आएंगे तो खासकर पटवा टोली के बच्चों को ही पढ़ाएंगे। और खासकर ये बहुत दिनों से है, और उनकी ये कोशिश रहती है कि जो पटवा टोली के आसपास के जो जितने क्षेत्र, जो खासकर वहीं के बसिंदा हैं सर, उनको पढ़ाने की बात वो करते हैं और उन पे विशेष जोर है उनका। यही कारण है कि उन आईआईटीएन के पढ़ने के कारण जो पढ़ाते हैं वे लोग, उनके कारण वहां से जो बच्चे हैं वो निकलते हैं एक बड़ी संख्या में हर बार। वो तो कभी कभी आते होंगे। नहीं सर, उनके गाइडेंस में उनके एक मित्र मंडली है जो अधिकांशता आती है वहां,
अगर वो नहीं रहे तो उनकी छुट्टी की जगह दूसरे लोग आए, और जो जो बच्चे हैं जो प्रतिभावान बच्चे रहे वो खुद उनको सेलेक्ट वो कर लेते हैं, उनकी विशेष गाइडेंस की व्यवस्था है सर। अच्छा, अभी ये जो कल सिक्किम का न्यूज है, किस कॉन्टेक्स्ट में है? सिक्किम में सर जो बाढ़ आई हुई है वो लेक में पानी बढ़ जाने के कारण सर बाढ़ आई हुई है सर, बस अभी फिलहाल इतना ही जानकारी है इसके बारे में। अच्छा, एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऐसा करके एक संस्था बनाई गई है, और ये देखती है कि किस रूप में, मतलब खासकर पर्यावरण की कोई क्षति ना हो इसके संदर्भ में ये रिकॉर्ड बनाई गई है। सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। दो झील का अभी यूज़ फाइन किया गया। हाँ सर, ये मैंने सुना है सर। लेकिन सेमीकॉन इंडिया क्या है? सेमीकॉन इंडिया सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप गगनानंद, ये नाम स्किल से जुड़ा हुआ है? सर चेस से जुड़ा हुआ है बेसिकली। ये क्या अचीवमेंट रहा है? उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल एक सर किस कंट्री में हुई है ये याद नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने चेस में अच्छा नाम कमाया है। टूर्नामेंट में जी जी जीता है उन्होंने। वर्ल्ड कप जो भी होने वाला है जी, शुरू भी हो गया जी, शुरू हुआ। उसका मास्कट क्या है सर? याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, किस किस क्षेत्र? सर ये इसमें अभी कुल 6 फील्ड हैं, एक साहित्य का है, एक भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, एक सामाजिक कल्याण के क्षेत्र सर नोबेल प्राइज, और एक मैं सर याद अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। पीस में दिया जाता है जी, एक चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज। इंडियन हाँ सर मिला है, कई लोगों को मिला है सर, नोबेल इस बार नहीं मिला है। किसी इंडियन को नोबेल पीस प्राइज मिला है, किसी भारतीय को? शांति का नोबेल सर, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कैलाश सत्यार्थी को मिला है सर। किसके जॉइंट मिला था उसमें? एक मलाला यूसुफ जई थी, पाकिस्तान की थी। मालदीव में जी, मालदीव में जो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रो चाइना हैं, और इससे पहले जो भारत के पक्ष में रहा है उनकी रणनीति, यहाँ खासकर राजनीति जो भी पक्ष पहलवे रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो प्रो चाइना को लेकर है, तो भारत की उनको लेकर कुछ रणनीतियां अभी उसके अनुसार। हाँ शायद योले नहीं, अभी सर याद थी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एशियन गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन? अभी फिलहाल नहीं है सर, सॉरी सर। इंडिया में इमरजेंसी कितनी बार लगाया है? इमरजेंसी सर मुझे याद है वो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी हुई थी सर, एक वो और एक 1962 में जब युद्ध हुई थी उस समय, दो याद है सर। 1971 वो इंदिरा गांधी के टाइम पे सर, और एक 1962 का युद्ध जो चाइना के साथ हुआ था वो। 1971 इंदिरा गांधी के टाइम पे? इंदिरा गांधी उस वक्त मिनिस्टर। हाँ लेकिन सर 1971 वो सर इस वजह से लगा था क्योंकि अगर देखा जा रहा था तो राजनीति, भारतीय राजनीति में अस्थिरता बनी हुई थी, और ऐसा माना जा रहा था कि विद्रोह की संभावना है और काफी अराजकता वाली स्थिति। 1971 में जी, ये मेरे अंदर से सर याद, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1975-76 की घटना है। सर गृह अशांति को लेकर कुछ बातें चल रही थी, उसके कारण सर लगी हुई थी। अच्छा, सर वहाँ जो पृथ्वी के
सूर्य के जो सापेक्ष जो पृथ्वी की जो स्थिति है वो एक समय के बाद वो रोटेट होती है, और जो एक टाइम मतलब 12 घंटे की जो टाइम होते हैं उनके अनुसार वो दोबारा रोटेट होती है और सीधी पड़ती है इसके कारण सर। जी वो सर पृथ्वी का खासकर सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली स्थिति है कि परिभ्रमण काल जिसको हम लोग बोलते हैं उनके कारण होती है। और तब तो हर एक प्लैनेट्स में होना चाहिए सीजन, हर एक प्लैनेट में चारों होती है। सर एक सीजन का सबसे प्रमुख कारण वायुमंडल का होना भी है, तो और दूसरे जो प्लैनेट हैं उन पे वायुमंडल की स्थिति नहीं है, इसके कारण ऋतुएं खासकर वहां प्रभावित नहीं होती। मंगल पर होने का चांस है? कहां पे सर? सॉरी सर, मंगल पर, मंगल पर सर वायुमंडल नहीं है तो नहीं। सर ये वैज्ञानिक अभी इन पे बात कर रहे हैं और इन पे शोध का विषय चल रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी अर्थ का जो झुकाव हुआ है टिल्टेड है उसी के कारण, मंगल भी जो टिल्टेड है उसी के कारण। अच्छा, ये हमें स्वामी नाथन का योगदान। सर खासकर भारत में हरित क्रांति के वो जनक कहे जाते हैं। एक वक्त था जब भारत में खासकर खाद्य संकट बहुत अधिक थे, और स्वामीनाथन का जब आगमन हुआ और खासकर वे गेहूं वगैरह के क्षेत्र में मोटे अनाजों के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान है उनका। उन्होंने जो सुझाव दिए या फिर उनके माध्यम से जो संकरित जो बीज थे उनके माध्यम से फसलों में की जो उपजता है उत्पादकता है वो बढ़ गई थी सर। उससे हानि क्या हुई? उनसे सर हानि हुई है और खासकर कृषि के क्षेत्र में, जैसे कि हम लोगों ने जो जेनेटिक्स जिन चीजों का उपयोग किया और खासकर उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे किसान हमारे बंधु थे जिनको पूरी जानकारी नहीं थी, जैसे खाद का उपयोग, तो उनको खाद की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वो खाद के इस्तेमाल कर रहे थे तो वो जो जैसे हम लोगों को किस रूप में उनका इस्तेमाल करना चाहिए, टच कैसे करना चाहिए, उनके अभाव के कारण कई केमिकल्स जो थे वो उनका नुकसान हुआ, और खासकर मिट्टी को लेकर भी ये नुकसान सर देखे गए। और इस मिट्टी में अनुर्वरता जो है वो कई क्षेत्रों में असंतुलित मात्रा में खाद के उपयोग के कारण अनुर्वर हो गई थी मिट्टी। लेकिन सर फिर धीरे धीरे शोध के बाद ये पता चला कि कितनी मात्रा में हमें खाद देनी है, ये एक मैटर आया था सर। और क्या हुआ? और इसके अलावा सर उस और कोई अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। वाटर का यूज हुआ? हाँ, सिंचाई का जी। उससे क्या हुआ? उससे जो हमारा खासकर लेवल है पानी का जो धरातल के नीचे है सर, उसके उसमें कमी आई थी। उसके लिए मतलब जो है क्या है उसका? उसके लिए सर अभी के समय में कि जो जेनेटिक्स जो चेंज किए जा रहे हैं खासकर फसलों को लेकर, तो उनमें ये इस बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि हमें अब वैसे जीन का इस्तेमाल करना है जो कम पानी में भी उपज अच्छी दे सके, और जीन हाँ उनके जेनेटिक्स चेंज करने के बाद मोटा अनाज क्या होता है? मोटा अनाज जैसे सर बाजरा और मक्का, ये सब मोटे अनाज आए तो उससे क्या फायदा है? मोटे अनाज सर खाद्य आपूर्ति को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक तो पौष्टिक भी होते हैं और ये भारी मात्रा में उपजाए जा सकते हैं। तो इसको भी सिंचाई की आवश्यकता होगी? जी है सर, जी है सर, आवश्यकता होगी जी। खाद की भी आवश्यकता होगी? जी है सर। ये तो बैटल ऑफ बक्सर के संबंध में बताइए। सर बैटल ऑफ जो बक्सर है 1764 ईस्वी में हुई थी, और ये उस समय का टाइम था जब खासकर भारत की राजनीति में जो अंग्रेज हैं वो आए हुए थे और उनकी स्थिति डोमिनेटिंग होती जा रही थी। उस समय जो हमारे मीर कासिम थे और शुजाउद्दौला जो थे और एक जो हम उनके नाम उनका नाम सर अभी भूल रहे हम, वे तीनों लोगों के बीच और खासकर ब्रिटिश सत्ता के बीच ये युद्ध हुई थी, और इसमें स्थिति ऐसे थे कि उन लोगों ने काफ़ी डोमिनेटिंग तरीके से भारत को हराया था,
और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और वहां से ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही निर्णायक लड़ाई हुई जो कि भारत को आगे जाकर गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया जी, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। सर ऐसा था कि उस समय भी हमारे जैसे मुगल जो सत्ता थी वो एक भले ही उसकी जो शासन की जो बागडोर थी भारत के कई क्षेत्रों पर उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमारे सत्ता में बनी हुई थी और तभी तक अंग्रेज किसी भी शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है उनमें भारतीयों के जो राजा हुआ करते थे उनसे वो सलाह लेते थे। लेकिन 1764 के बाद जो युद्ध हुए उसमें बंगाल और खासकर जो केंद्र की जो हमारी सत्ता थी वो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों से हार गई थी, जिसके कारण स्थिति ये हुई कि अब वो निडर हो जंजीर में जकड़ लिया, वो जरा बताओ विस्तार से। वो सर उसके बाद जंजीर में क्या क्या था? सर हमारी आर्थिक आजादी छिन गई थी, हमारी राजनीतिक आजादी छिन गई और हमारी राजनीतिक आजादी छिन गई थी और हमारे खासकर जितने भी भौगोलिक परिवेश थे उन पर उनके उनके सैनिकों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। उन्होंने क्या क्या नुकसान किए? उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था खासकर उनको पूरा छिन्न कर दिया और कैसे किया उन्होंने हमारी जो अर्थव्यवस्था थी खासकर कृषि के क्षेत्र जो हस्तशिल्प के जो हमारे जो क्षेत्र जो परंपरागत जो और सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। पांच छह तरीके से बर्बाद की है तो दादा भाई नौरोजी जी ने पूरी किताब लिखी है जी जी सर। तो एक तरीका और बताओ। जैसे धन का निर्गमन सिद्धांत सर दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था इस वक्त धन का निर्गमन सिद्धांत यहाँ से धन संपदा ले गए हाँ तो क्या कैसे कैसे ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ सर इसका मतलब ये था कि वे जो अंग्रेज जो थे वो भारत की ही जो सामग्रियां हुआ करती थी खासकर क्रॉप्स या फिर जो कुछ भी हथकरघा जो शिल्प वगैरह थे उनके माध्यम से वो कच्चे माल को खरीदते भी थे और वो ले जाकर वो लेकर चले जाते थे ब्रिटेन और फिर से उसी माल को हमारे यहाँ बेचते थे सस्ती दामों पर और उसका पैसा भी नहीं देते थे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे जी फ्री ले जाते थे हाँ वहाँ अपने उसमें उनके कॉटन मिल्स थे उनमें कपड़े बनाते थे जी और फिर इंडिया में बेचते थे यहाँ वाले उसको देखो ये तो तुमने एक बता दिया और जी। और ये तरीके थे सर कि ये खासकर अंग्रेज हमारे ही पैसों पर या फिर जो हम लोगों से राजस्व वसूला जाता था उनके आधार पर उन्होंने अपने सैनिकों की भी व्यवस्था कर रखी थी और उनका जो वेतन वगैरह था वो इन्हीं पैसे से दिए जाते थे। एक्चुअली पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का खर्चा जी वो हिंदुस्तान उठाता जी पूरा जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस वो जो भी अमला था जी उसका पूरा खर्चा हिंदुस्तान उठाता था। बाकी देशों से लड़ाई लड़ते थे जैसे अफगान वार हुए जी जी बाकी देशों से लड़ाई हुई उनका खर्चा भी हिंदुस्तान ही उठाता था। कोई सिपाही यहीं के होते थे यहीं का वो होता था जो इक्विपमेंट्स है डिफेंस इक्विपमेंट्स वो सब यहीं के होते थे जी सब उठाता था। एक रेलवे उन्होंने स्थापित की जी तो उसमें जो मिनिमम रिटर्न था उसके अलावा उनको प्रीमियम दिया जाता था जी तो ये एक हिंदुस्तानी पैसे को देश ले जाने का तरीका हुआ था जी एक ये था तो हुए पांच छह हुए कुछ जी सर। फिर वो जमींदारी को ऑप्शन करते थे बंगाल प्रोविंस में जो जमींदार सबसे ज्यादा पैसा देने का करता था आश्वासन उसको जमींदार बना देते थे उस इलाके का। अगली बार जो नए आते थे वो और ज्यादा पैसे का आश्वासन देते थे तो उससे जमींदार और अंग्रेज तो पैसे वाले बनते जाया करते रिच और जो किसान था
जी सर, नील वगैरह की खेती करवाते थे जिससे जमीन खराब होती थी। जी सर, ये इस तरह डिटेल में पढ़ने की बात है। अच्छा, आपका इंटरव्यू खत्म करके हम आपको बताते हैं कि यू आर ए गुड कैंडिडेट एंड यू हैव वेरी गुड एक्सप्रेशन आल्सो। You should be confident. Thank you, sir. You should revise things which you need to revise. पढ़ी है, बोल गए हो। Yes, sir. तो notes अपने revise। Thank you, sir. कुछ पूछना? सर वही कि थॉट्स तो बहुत सारे कलेक्ट होते हैं लेकिन वो एकाएक आ नहीं पाते। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करो, और कोई तरीका अपना कोई दुरुस्त खड़ा कर लो, उसके सामने बोलो, फिर उससे पूछो कैसा। थैंक यू।